तो कितने सारे लच्छे बने हमारे ये पराठे में, ये देखिए आप, इतने बहुत सारे बने हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लच्छे पराठे के लिए फ्रेंड्स हमने 300 ग्राम के आसपास आटा लिया है और एक कटोरी के आसपास ये है, तो उसमें हमने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जो पराठे में नमक होना चाहिए उस हिसाब से आप डालें। और इस आटे को हम अच्छे से पहले गूंथ लेंगे ताकि हमारा जो ये लच्छा पराठा बने वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बने। तो इसी प्रकार से हमने सारे आटे को अच्छे से थोड़े थोड़े पानी करके डाल के इसे गूंथ लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये आटा भी लगभग। तो इस प्रकार से हम इसे मैश ज़रूर करेंगे हाथों से, मुक्के की मदद से इस प्रकार से, ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से गूंथा जाए। तो इसी प्रकार से हमने ये देखिए सारे आटे को गूंथ लिया है, तो हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हमारा आटा फूल जाए। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया हमारा आटा। बहुत ही आसान ये लच्छा पराठा की रेसिपी बनाना है फ्रेंड्स। अब हम इसकी लोई काट लेंगे। लोई हमने इस प्रकार से थोड़ी बड़े बड़े शेप में काटा है, ये लगभग 4 पीस के आसपास हमने 4 पीस लगभग काटा है। आप चाहे तो इसका 5 पीस भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हमें रखनी है। तो इस प्रकार से पहले हम रोटी जिस प्रकार से बेलते हैं, हम उसी प्रकार से इसे बेल लेंगे आटा लगा के। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये देखिए हमारा रोटी नॉर्मली जैसे हम बेलते हैं ना आटा लगा, तो इस प्रकार से हमने बेल लिया है। अब इस पर हम घी लगाएंगे, घी या तेल आप इस पर इस प्रकार से एक लेयर लगाएंगे यहाँ पे, ताकि इसी से हमारा जो लच्छेदार जो बनेगा वो परत बाय परत इसी से वो निकलेगा अलग अलग। तो इसी प्रकार से हमने ग्रीसिंग कर दिया है घी से, आप चाहे तो तेल से भी कर सकते हैं। घी से करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसी प्रकार से हमने कर लिया है। तो अब देखिए हम किस प्रकार से इसे बनाएंगे। तो यहीं पे मेन इसका जो सीक्रेट है बनाने का वो यही है कि इस प्रकार से हम बनाएंगे। बाकी ये देखिए कितना बढ़िया से इसी प्रकार से हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते रहेंगे, ये देखिए। और फिर देखिए इस प्रकार से आप दोनों छोरों को भी अच्छे से इसे फोल्ड करते जाएं। इसी प्रकार से शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से होगा, शुरू में आपको थोड़ी सी कठिनाई लगेगी, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो आप पहली बार बना रहे होंगे ना, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम भी तो हलवाई है नहीं, हम भी तो कभी कभी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्योंकि हलवाई की बात है, हलवाई ही जाने, उनका रोज़ का काम होता है तो उनको आदत पड़ जाती है एक ही साइज़ की। तो इस प्रकार से हम इसे लंबा कर लेंगे फ्रेंड्स हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। तो ये देखिए इस प्रकार से हो गया है। तो अब इसे हम इस प्रकार से इसे रोल बना लेंगे इस प्रकार से इसे मोड़ते हुए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा बन रहा है। तो इसका जो लास्ट वाला जो छोर है उसे हम ऊपर से थोड़ी सी प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना, क्योंकि खुल जाएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हल्के से हमने फोल्ड कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ा सी प्रेस करके भी इसे ताप सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक लोई तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे बेल लेंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आप हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर बेलने के लिए अब आटा लगाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप हल्के हाथों से बेलें। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से बेला है, और जब हाथों से ये उठने ना पाए तो आप चकले को या अपने हाथों को ही घुमाएं, इस पराठे को ना उठाएं, नहीं तो ये इसके लच्छे अलग हो जाएंगे। बस केवल अपने हाथों को घुमाते रहें और इस प्रकार से बेल लें। तो ये फाइनली हमारा एक लच्छा पराठा हमारा बेल के तैयार हो गया है।
इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे निकाल के, क्योंकि बारी बारी से हमें सबको बनाना है। तो देखिए इसको हल्के हाथों से उठा के इसे रखनी है, किनारे आप नहीं पकड़ेंगे नहीं तो ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट पराठे को भी हमने इस प्रकार से बेलते हुए हमने नहीं दिखाया, क्योंकि बेलने का तो अब बहुत ही आसान है बेलना। तो इस प्रकार से आप इसे फोल्ड करते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल लास्ट ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए, तो अब आपसे भी ये बन जाएगा ना, देखिए कितना बढ़िया ये और आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से थोड़ी सी प्रेस करते हुए इसे लंबा कर लेंगे, उसके बाद फिर इसे भी हम रोल कर लेंगे उसी प्रकार से जो हमने पहले बनाया था। तो इसे भी हल्के हाथों से इसी प्रकार से हम रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद फिर हम जैसे बेला था वैसे ही इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका भी लोई तैयार हुआ है, तो अब हम इसे भी बेल लेंगे। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी फ्रेंड्स। तो इसे भी आप हल्के हाथों से बेल लेंगे इसी प्रकार से। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, उसके लिए हमने एक तवा लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल तवे पे भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हम इसे पलटेंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा हल्का सिक गया है। तो इसी प्रकार से हम इसे पलट के, तो यहाँ पे हम फिर से घी लगा देंगे यहाँ पे, ताकि ये जो हमारा लच्छा है वो घी लगाने से बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि लच्छों के बीच में जब ऑयल या घी जाएगा तो इसमें बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। तो दोनों तरफ से हम इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाने से ये देखिए कितना अलग अलग हमारा ये बना है लच्छा। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली अब हम इसे निकाल लेंगे, कितना ये लच्छादार बना है। तो नेक्स्ट रोटी को भी इसी प्रकार से हम बना लेंगे। तो फाइनली ये बनके हमारा तैयार है फ्रेंड्स, लच्छा पराठा की रेसिपी। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तो ये देखिए दूसरे पराठे को भी ये कितना लच्छेदार बना है। तो आप भी इस प्रकार से बनाएं, एक दो बार बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये अच्छे से बन जाएगा। तो फाइनली ये हमारा लच्छा पराठा की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।